नमस्कार, शुभ संध्या। और सामने आप देख पा रहे हो कंदमूल फलों का आनंद लेते हुए, और ये मेरी बहना है समीक्षा। हिसोल हो रखे हैं आजकल बढ़िया सुंदर, और नज़दीक से दिखाऊं मैं तो ये देखिए बहुत ही जायकेदार और काफ़ी मीठे हो रहे हैं। और उसी का आनंद लेते हुए शाम को घूमते घूमते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए जंगल का रास्ता हमारे, और ये हिसोल हो रखी है सामने, इधर जा रहे हैं हम अभी घूमने आगे। और सनसेट का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। अगर ये देखिए सामने, अब सूरज भी डूबने वाला है, बहुत खूबसूरत शाम। और ये देखिए, ये है बड़द्वारा गांव, खूबसूरत नज़ारा शाम का, पहाड़ों की शाम का। देखिए धूप बिल्कुल ढलने वाली है, जाने वाली है, और मंद मंद हवाओं का आनंद लेते हुए जहाँ के लोग अभी कूलर में और पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठे हुए हैं। अभी हम देखे, हमारा कूलर भी यही है और एसी भी यही है। ठंडी ठंडी मंद मंद हवाएं चल रही हैं, और इन मंद मंद हवाओं के बीच हम प्रकृति का खूबसूरत आनंद लेते हुए नज़ारा दिखाता हूँ आपको आसपास का। ये हमारा जंगल है, इधर बहुत प्यारा दिख रहा है। और भाई कभी ज़माने में हम गाय के साथ जाया करते थे इधर, अभी तो पूरा क्या कहते हैं कांटे नुमा हो चुका है पूरा रास्ता। जाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, जंगली जानवर आसपास बहुत मिल जाएंगे। तो देखते हैं व्यू बैक कैमरे से अभी ढंग से। एक खूबसूरत नज़ारा, और सामने आप देख पा रहे हो गोपेश्वर है ये हमारा गांव, यहाँ से ये बड़द्वारा गांव है, और ये सड़क जारी है यहाँ दुगड़ी कांडे के लिए, ये अन्य गांव है। और यहाँ ये बताना भूल गया, टंगसा है। और इधर अगर देखें, ये इसको नरों कहते हैं इस गांव का नाम, यहीं पे NH भी है, नेशनल हाईवे। और ये देखिए अमृत गंगा, जो बालखिला नदी है वो यही है। और सामने ये गांव दिख रहे हैं, कोटेश्वर है यहाँ पे। इधर ये तुंगनाथ वाला रूट है सामने, जड़ी बूटी संस्थान। और इधर आगे ये है जंगल जाने के लिए एक बारीक पगडंडी, और सामने ये जंगल जाती है। ये सामने तुंगनाथ वाली चोटी है, और यहीं आसपास में इस क्षेत्र में बासुकी नाग मंदिर भी है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है शाम का। और सामने आप देखोगे तो ये देखिए, मतलब चारों तरफ से चोटी ही चोटियां हैं, और बस बीच में ये एक स्थान है बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा। यहाँ पे देखोगे बैठने के लिए कुछ इस तरीके से है, और ये धार वाली जगह है, मैंने टॉप वाली जगह है, यहाँ से नीचे देखो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो भाई बहुत सुंदर नज़ारा, और आप लोग भी आनंद लें प्रकृति का हमारे साथ।